हेलो गाइस, मेरा नाम है अरिजीत और मैं आपको बताने वाला हूँ कि WWE रियल होता है या नकली, वो कैसे कर लेती है। तो सबसे पहले बात करते हैं WWE की और उनके ब्लड की। असल में इसमें दो प्रोसेस यूज होती है और उसमें से एक प्रोसेस का नाम है ब्लीडिंग। जी हाँ, ब्लीडिंग मतलब WWE सुपरस्टार अपने सिर में कट लगा लेती है, और दूसरे प्रोसेस का नाम है ब्लड कैप्सूल्स। ब्लड कैप्सूल वो अपने रूम में डाल लेती है। और अब बात करते हैं ब्लीडिंग की। ब्लीडिंग होता है कि कोई भी सुपरस्टार अपने सिर में कट लगा लेता है एक, जैसे आप इन फोटोज़ में देख सकते हैं, और थोड़ी ही देर के बाद उनके सिर से खून आने लगता है और वो खून उनके पसीने से मिल जाता है। यहाँ जैसे रोमन रेंज की फाइट हुई थी, उसमें ब्लीडिंग प्रोसेस का ही यूज़ किया गया था। और खून जब आता है उनके पसीने बहुत यूज़ होता है, और इसलिए पसीने से बहुत माध्यम रखता है। और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अपने रिस्ट में ब्लेड लेके घूमते थे। जी हाँ, जैसे फोटोज़ में आप देख सकते हैं, जैसे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ब्लेड लेके घूमते हैं, और जब उन्हें खून निकालना होता हो तो वो खून निकाल लेते हैं। और अब बात करते हैं मुँह से खून जब निकलता है वो कैसे निकलता है। उसमें प्रोसेस होता है ब्लड कैप्सूल। ये सुपरस्टार अपने वो ब्लड कैप्सूल डाल लेते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। उसके अंदर एक पाउडर होता है, जो भी मुंह में डालने से वो पाउडर निकल आता है और वहाँ से खून आने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रिपल एच और रोमन रेंस के मैच में कैसे उनकी फाइट हुई थी, और रोमन रेंस के उनसे कैसे खून आने लगा था। ट्रिपल एच बार बार उनके टेबल पटक रहे थे और कैसे उनके मुंह से खून आने लगा, तो वो ब्लड कैप्सूल उनके मुंह में डाला था और तब जाके उनके मुंह से खून निकल आया। इसमें यही दो चीज़ों का यूज़ होता है। और तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे WWE कर लेती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।